लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे विश्वनाथ जी नमस्कार, खुशखबरी है, उस विश्वनाथ जी की असीम कृपा से त्रिमूर्ति लगन मंडप से बात हो गई है। सुनो दुर्गा, त्रिमूर्ति लगन मंडप बुक हो गया है, वो ठीक रहेगा ना? बहन की शादी के लिए मेरे हिसाब से ठीक है। साहब, छोटे मालिक की शादी के लिए कोई और लगन मंडप फिक्स किया है क्या? ये क्या कह रहे हो बेटे, तुम दोनों की शादी तो एक ही मुहूर्त और एक ही मंडप में करने का फैसला किया था ना? उस मुहूर्त में सिर्फ बहन की शादी होगी, मेरी शादी नहीं होगी। ये क्या कह रहे हो भैया? हाँ मुन्नी, हेमा एक पुलिस ऑफिसर से प्यार करती है और आज वो वर्दी मेरे पास नहीं है। दुर्गा, मैं किसी भी लड़की को जिंदगी भर तकलीफ नहीं देना चाहता। बेटी, तुम मुजरिमों के बारे में बेशक जानते हो मगर औरतों के दिल के बारे में नहीं। हेमा के माँ बाप की सोच को तो आप समझ ही सकते हैं, वो मना करेंगे तो हमारा अपमान होगा, हम जाकर कहेंगे तो संस्कार होगा। आप दोनों वहां जाइए। मेरी बात मानो बेटी, शादी का रोकना ही ठीक है। कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी करवाता है उसे खुश देखने के लिए, जिंदगी भर दुख सहने के लिए नहीं। दुख हो या सुख, जिंदगी तो मुझे ही गुजारनी है ना पिताजी। सच है, उसमें जो खासियत देखी थी तुमने, जो हिम्मत देखी थी तुमने, उसमें अब वो नहीं है। आइए आइए, समझी जी बैठिए। मैं बैठने नहीं आया। ये क्या, आपकी बातें मैंने सुनी, आप तो बड़े हैं, आप नाराज होंगे तो कैसे चलेगा? नाराजगी की बात नहीं है, कुछ बताने आया हूं। आपके दिल की बात मेरा बेटा पहले से जानता है, इसलिए शादी कैंसिल करने के लिए हमें भेजा है। यह सुनकर आपको अफसोस कम और खुशी ज्यादा हो रही होगी, हमें पता है। हमें इजाजत दीजिए, आओ। रुक जाइए बाबूजी, ये शादी ना मेरे पिताजी ने तय की है ना आपने, मैंने उन्हें खुद चुना है, उनसे शादी करूं ना करूं ये मेरी मर्जी है। मैंने जिस दिन आपके बेटे को देखा था उसी दिन मैंने उन्हें अपना पति मान लिया था। सगाई होने के बाद आप बुजुर्ग लोग ही रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये क्या कह रही हो? औरत अगर चाहे तो वो कुछ भी करके दिखा सकती है, कोई भी मुमकिन बात को वो मुमकिन कर सकती है। उनके हाथ में क्या तकलीफ है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अपने लिए, अपने प्यार के लिए मैं उनकी सेवा करूंगी और पहले जैसा ही उन्हें ठीक कर दूंगी। मतलब हमारे खानदान की मान मर्यादा मिट्टी में मिलाकर शादी होने से पहले ही ससुराल में रहोगी? ये खानदान की मान मर्यादा का सवाल नहीं है पिताजी, ये इंसानियत, जज्बात और प्यार की बात है। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती और इसलिए मैं उनके पास जा रही हूँ। कहा? हाँ कहा। क्या कहा? जो तुमने कहा था कि शादी नहीं करना चाहते, कुलशेखर और उसके घर वाले ये सुनकर बहुत खुश हैं। क्या हेमा भी मान गई? वो नहीं मानी। लेकिन क्यों? उसने भी इसी तरह सवाल किया। तो आपने उसे सीधी तरह मना क्यों नहीं? हमने तो साफ इनकार किया था। लेकिन वो लड़की तो अपने जिद पे ही अड़ी रही। अच्छा, ये सोचकर आपके बेटे की शादी नहीं होगी इसलिए जानबूझकर चुप बैठ गए होंगे? उसने सभी की बोलती बंद करा दी, इतना ही नहीं अपने होने वाले पति को ठीक भी करूंगी कहकर वो तैयार भी हो गई। आपने उसे बुला लिया? वो आ गई। तुम पागल हो क्या? हाँ बिल्कुल हूँ। तुम्हें अकल है? हाँ बहुत है। बगैर शादी पराए मर्द के साथ? सॉरी। हाँ, अब जाके गलती का एहसास हुआ? मैंने इस बात के लिए सॉरी नहीं कहा। तो फिर? आप पराए मर्द नहीं है, मेरे होने वाले पति हैं, इसलिए आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। सेवा के लिए मेरी माँ बहन है। माँ और बहन जो सेवा करती है वो सेवा पत्नी भी कर सकती है, मगर जो सेवा पत्नी कर सकती है वो माँ और बहन नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, जब तक हमारी शादी नहीं होती मैं यहीं पर रहूंगी। औरत कभी भी जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करती, और जब कोई फैसला करती है तो उस फैसले से मुंह करती नहीं। अब चलो कावेरी, मुझे बेडरूम दिखाओ। अरे ये क्या, पेस्ट किसने लगाया? मैंने। तुमने क्यों लगाया? ये क्या बात हुई, अगर मुझे कभी आपकी जरूरत पड़ी तो आप मदद नहीं करेंगे? मतलब? सपोज हमारी सुहागरात के कुछ दिनों बाद मैं अचानक प्रेग्नेंट हो गई,
इतना बड़ा पेट लेकर घर में घूमती रहूंगी और आपसे कहूंगी सुनिए जरा झाड़ू तो लगा दीजिए, तो आप नहीं लगाएंगे। चलो शुक्र है, आप हंसे तो सही, आपके एक्सरसाइज की तैयारी करनी है, डॉक्टर साहब के आने का वक्त हो गया है। सुनिए जी, नहाते वक्त मुझे बुला लीजिएगा, आपकी पीठ रगड़ने के लिए। रुकिए रुकिए, ये क्या है, ये अमेरिका है क्या जो आप स्पून से खा रहे हैं? तो फिर कैसे खाऊं? आपको खुद खाने के लिए किसने कहा? आपको तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। ये क्या, मुझे खिलाओगे? छोटा बच्चा समझती हो क्या? ऐसी बात नहीं है, इस वक्त आपको मेरी जरूरत है, मेरी जरूरत में आप मेरा साथ नहीं देंगे क्या? अब ये पूछना छोड़िए और चुपचाप खाना खाइए। ये देखकर भगवान से कुछ मांगने का दिल चाहता है कि सासू मां हर जन्म में आपकी पत्नी बने। नहीं बेटी, तुम दोनों हर जन्म में पति पत्नी ही बनो। थोड़ी देर बैठो ना। ना पापा, मतलब बहुत डेंजरस होते हैं, उंगली पकड़ने दो तो पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर बाद पास बैठने के लिए कहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि तुम मुझसे जरा बात करो, फिर कहते हैं क्या मैं तुम्हारे कमर पर हाथ रख सकता हूँ, फिर क्या पूछते हैं, उसके बाद फिर खुद पर काबू कहाँ रहता है, दोनों प्यार करने लगते हैं। ए, तुम प्यार का मतलब जानती हो? प्यार है। नहीं, पहले इतराना, फिर थोड़ा शर्माना, इसके बाद थोड़ा मुस्कुरा के इकरार करना, यही प्यार है। ओहो, अब समझ गई ना? चलो आ जा। आइए डॉक्टर। दुर्गा प्रसाद, इस तरह हाथ मोड़ने से तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? दर्द तो पहले से नहीं हो रहा है डॉक्टर। उंगलियों को जरा हिलाने की कोशिश करो। नहीं हिल रही है डॉक्टर। अपना हाथ इधर करो। अब कैसा लग रहा है, कुछ महसूस हो रहा है? नहीं डॉक्टर, नहीं। हेमा, अब हेमा। डॉक्टर साहब, औरत का दिल बड़ा नाजुक होता है, उसके सामने आपको ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए थे। अब देखिए, बेचारी कहीं किसी कोने में बैठकर आंखों से गंगा जमुना बहा रही होगी। दुर्गा प्रसाद, गर्व है तुम पर, ऐसे गंभीर हालात को भी इतने आसानी से ले रहे हो। चाकू या बम एक बार मेरे शरीर को तो जख्मी कर सकते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत को नहीं। डॉक्टर, हम उस वंश के हैं। डॉक्टर अंकल, आपने जो दवाइयाँ बोली थी वो यहाँ नहीं मिली, इसीलिए भैया ने दिल्ली से भिजवाई है। वेरी गुड, वेरी गुड। डॉक्टर साहब, मैं इसे हिफाजत से रख लेता हूँ, आप जरा जाकर हेमा को थोड़ा समझाइए ना। हेमा बेटी, तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ, पता नहीं उसका हाथ ठीक होगा भी या नहीं, मगर डरो मत, हम कोशिश करते रहेंगे, भगवान ने चाहा तो वो ठीक हो जाएगा। अब मुझे अच्छा लगा, मैं जितना जेल में तड़प रहा हूँ उससे कई ज्यादा वो अपने घर में तड़प रहा है। हम तो जेल का खाना अपने हाथों से खा रहे हैं, मगर वो तो अपने हाथों से खाने के लायक ही नहीं रहा। जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद की है, उस दुर्गा प्रसाद के पूरे खानदान को जब तक खत्म न कर दे, चामुंडेश्वरी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। महाकालेश्वर जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं 10 दिनों के अंदर आपको बाहर निकालूंगा, ये मेरा वादा है। I will talk to you later. क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? हम लोग मंदिर जा रहे हैं। हाँ बाबूजी, पिछली बार जब मैं माँ दुर्गा के मंदिर गई थी तो माँ से कहा था कि इनको भी लेकर आऊंगी। ठीक है, ये माँ दुर्गा का लॉकेट है, अपने हाथों से पहना दीजिए। ये तो बचपन से ही माँ दुर्गा का बड़ा भक्त है, इसकी रक्षा माँ दुर्गा हमेशा करती रहेंगी। जाओ। डर गई क्या? आप मेरे साथ है तो डर कैसा? अरे दुर्गा प्रसाद, भागो भागो भागो। ए रुक जाओ, ए ना मर्दों की तरह क्यों भाग रहे हो तुम लोग? उसका दायां हाथ काम नहीं कर रहा है, एक हाथ से वो क्या लड़ेगा, मारो उसे। याद रखो, जब धरती फटती है ना तो बहुतों को निगल लेती है,
और किसी से लड़ना हो तो उसके लिए सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जिगर होना चाहिए। एक हाथ से तो मेरे आदमियों को पकड़ा हुआ है, अब तू किस हाथ से लड़ेगा? हा? सॉरी सर, आप माँ दुर्गा के मंदिर में है ये पता चलते ही डीआईजी साहब ने हमें आपके सिक्योरिटी के लिए भेजा है। ए चलो सब यहाँ से। इट्स ओके चलो। ए माँ नमस्कार। मैं आपका नमस्कार सुनने नहीं आया हूँ, कहाँ है मेरी बेटी, बुलाइए उसे। वो क्या बुलाएंगे उसे, हम बुलाएंगे तो भी आएगी। हेमा बेटी, हेमा। पिताजी आप खाली हाथ नहीं, अपना सामान लेकर आओ। वो क्या है भाई? क्या हुआ, कल मंदिर जाते वक्त जो कुछ हुआ तुम्हारे बेटे ने नहीं बताया? क्या हुआ था? कालेश्वर के आदमी ने तुम्हारे बेटे पर हमला किया। अगर पुलिस वक्त पर ना पहुंचती तो न जाने क्या होता। और क्या होता, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती। जो औरत की रक्षा नहीं कर सकता उसे शादी का अधिकार नहीं। इस घर में मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर रखा है। जब आपकी बेटी घर छोड़ रही थी तभी आपको उसे रोकना चाहिए था। अभी इसी वक्त अपनी बेटी को ले जाइए। अगर आपने दोबारा ऐसी बात की तो मैं मर जाऊंगी। हेमा, अरे पगली, एक अपाहिज आदमी से शादी करके तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगी। अपनी माँ की बात मान ले, अपने घर चल। अगर आपके पति कहीं शादी के बाद अपाहिज हो जाते तो क्या आप उन्हें छोड़ देती माँ? पत्नी अपने पति के साथ खुश रहती, उसकी हैसियत देखकर नहीं, उसकी दौलत देखकर नहीं, उसका दिल देखकर। शेर जब चार कदम पीछे जाता है तो सामने वाले के डर से नहीं जाता बल्कि अपने पंजे की ताकत दिखाने के लिए। आज वो अपाहिज है और अगर कल वो ठीक हो गए तो क्या ठीक होगा? उसका हाथ ठीक नहीं हो सकता, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। जिंदगी भर अपाहिज आदमी के साथ में। भगवान के लिए चुप हो जाइए पिताजी। ये क्या, बाप से चुप रहने के लिए कह रही है? इतनी हिम्मत आ गई तुझमें? अपनी बेटी को मारो पीटो वो सही लेगी, मगर वो अपने पति की बेइज्जती वो कभी नहीं सहेगी पिताजी। अब बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। तो इतनी बड़ी हो गई है, अपने बाप से दुश्मनों जैसा सलूक कर रही है, अब इस घर में रुकना पाप है। चलो जी। पार्वती जी, विश्वनाथ जी, आप लोग दोनों धन्य हैं। जरा सोचिए, अगर यही बर्ताव आपकी बेटी करेगी तो आप क्या करेंगे? इस बारे में ठंडे दिल से सोचिए। सुनो दुर्गा प्रसाद, तुम सैकड़ों लोगों की जान बेशक बचाई होगी मगर एक माँ का दिल दुखाने के लिए तुम्हें उसकी हाय जरूर लगेगी। कल गांव के बड़े लोगों को लेकर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। कल तुम अपना सर झुकाओगे और अपनी गलती मानकर मेरी बेटी को मेरे साथ भेज दोगे, देख लेना। चलो।